नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र स्थित राम मनोहर लोहिया सामुदायिक भवन में प्रखंड स्तरीय जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से उपयुक्त को अवगत कराया। उस पर क्या समीक्षाएं की गई है, क्या कुछ है? झारखंड काडर के ही भारतीय प्रशासकीय सेवा के पदाधिकारी है सर मीना सर, जो अभी एडिशनल सेक्रेटरी है सामाजिक न्याय विभाग में गौरव कपूर सर। आज उनका हमारे जिले में दौरा था, जिसके तहत उन्होंने नीति आयोग के जो इंडिकेटर से और जल शक्ति मिशन है इसमें पूर्वी सिंहभूम जिले का उन्होंने समीक्षा की। और जो रियल लेवल में या प्रैक्टिकल वे में जो बाधाएं हैं उनको उन्होंने आज समझा है। जो नए इंडिकेटर्स आए हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उनका भी उन्होंने असेसमेंट किया है। बेसलाइन सर्वे करके हमें कुछ अपने तरफ से डेटा देना है, उस डेटा के बारे में उन्होंने हमको आज बताया है। और अमृत सरोवर योजना में जो हमने 96 जगह पे जगह चिन्हित की थी और एक्चुअली 106 जगह पे काम शुरू हो गया है, उसकी भी आज समीक्षा की है। बहुतांश जगह पे तालाब के यहाँ पे 15 अगस्त को झंडा फहराना था, वो भी हमने फोटोज अपलोड किए हैं। मगर जो पौधा रोपने का काम है वो अभी कुछ कुछ जगह पे पार्शली कंप्लीट हुआ है और इसका मैं पर्सनली बहुत डिटेल मॉनिटरिंग कर रही हूँ। और ये जल शक्ति मिशन के तहत भी हम भारत सरकार को रिपोर्ट देंगे कि पूर्वी सिंहभूम की प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी अच्छी है और वाटर कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट भी अच्छा है, जिसको हम लोकल लेवल पे भी लोगों पे इम्पार्ट करना चाह रहे हैं कि आपको पानी कैसे बचाना चाहिए या बरसात का पानी है उसको इंश्योर करना चाहिए कि बहके ना जाए और आने वाले दिनों के लिए हमें वो खेती के योग्य। जनता दरबार में बहुत सारे पानी से रिलेटेड समस्या हम ऑलरेडी पिछले 5-6 महीने से सुन चुके हैं। चूँकि बरसात हो रही है तो अभी थोड़ा इतना इशू क्रिटिकल नहीं है, परंतु गर्मी के दिनों में बागबेड़ा वासियों की पानी से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं की शिकायत और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा प्रबंधन एक यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। आज इस जनता दरबार में सारे विभागों का यहाँ रिप्रेजेंटेशन रहा, इवन ब्लॉक स्तर से भी उनके सारे पदाधिकारी कर्मी यहाँ पर बैठे रहे। मोस्ट ऑफ द शिकायत जमीन से रिलेटेड अतिक्रमण या फिर ट्राइबल लैंड के ऊपर अतिक्रमण इस टाइप के थे। अन्य राशन की जो समस्याएं हैं वो पिछले माह का राशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना या राशन कार्ड में नया नाम जोड़ना, आधार के साथ लिंकेज, पेंशन है तो पेंशन नहीं मिल रही है वगैरह के इश्यूज थे। जैसे पूर्व में भी आप लोग जानते हैं कि उपायुक्त कार्यालय से ये आदेश जारी किया गया है कि सभी प्रखंडों में रेगुलरली सोमवार को आपको जनता दरबार लगाना है, क्योंकि अगर उपायुक्त या कोई भी जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी उस प्रखंड में नहीं जा सके तो एटलीस्ट उस दिन PDO या CO अपने ऑफिस में ये इंश्योर करे कि जनता की शिकायतें वहाँ पे आए, लोगों को एक एक्सेस मिले, फोरम मिले जहाँ उनको सुना जाए। और जो मेरे स्तर से यहाँ पे शिकायतें सुनी गई हैं मैं उनको अपने ऑफिस से फॉरवर्डिंग लेटर के साथ भेजूँगी ताकि मैं उनको फॉलोअप कर सकूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द शिकायत पेयजल और स्वच्छता से रिलेटेड थी। मैं डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन करते हुए पंचायत समिति, जिला परिषद और यहाँ के मुखिया इन लोगों के साथ एक एक्सक्लूसिव मीटिंग लेने वाले, जिसमें इनके स्वच्छता से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं कि कचरा प्रबंधन करने के लिए अगर जगह है तो उस जगह पे कौन सा प्रोजेक्ट लाया जाए या पंचायत लेवल पे कचरा प्रबंधन में सरकार ने इनको क्या क्या अधिकार दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के कारण वो भी वाकिफ़ नहीं है, तो उन सर्कुलर्स को भी हम उन बैठक में इनको बताएंगे और इन्हीं के द्वारा प्रपोजल्स को लेना है। जैसे कुछ मुखिया या कुछ पंचायत समिति के प्रतिनिधि ऐसे आए जिन्होंने चापानल की मांग की है या सार्वजनिक शौचालय की मांग की है, ये विषय उनके लेवल के हैं जिस संबंधी 15वें वित्त आयोग में उनको पर्याप्त राशि दी चुकी है, परंतु जानकारी का अभाव होने के कारण वो आज भी ऐसे समझते हैं कि उपायुक्त लेवल पर इन शिकायतों का निष्पादन किया जाएगा। तो इस मीटिंग में हम इन सारे सर्कुलर्स के साथ उनको अवेयर कराएंगे और यहाँ की समस्या कैसे उनके लेवल से भी सॉल्व की जाती है इसका एक एम्पावरमेंट भी हम उनके साथ। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।